अस्सलाम वालेकुम माय प्रियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका एक और पिलर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना। आरएनए के बनने में इनिशिएशन क्या है, इलांगेशन क्या होती है, टर्मिनेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे मेजर प्लेयर्स या एंजाइम इन्वॉल्व है, आइए देखते हैं। क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना। आइए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक बायोडायरेक्शनल जो है अमल है, यानी कहने का मकसद है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए के दोनों स्टैंड पे हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है यूनिडायरेक्शनल ही होती है, यानी कि टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर ही होती है, जो कि आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है जीन के एक्सप्रेशन का, यानी कि जीन के जितनी भी एक्सप्रेशन हैं वो ट्रांसक्रिप्शन पे ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी जीन्स हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन जो है इंडिविजुअली कंट्रोल होती है, और फर्दर अगर हम इसको देखें तो जो एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि इसका एक्चुअल नेम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आइए देखते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा। ओके जी, आइए इसके प्लेयर्स की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्लेयर है वो हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। होलो एंजाइम इसलिए कि इसके तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं टोटल वो कितने हैं, प्रोकैरियोट्स में 6 इसके यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा 1 ओमेगा और 1 सिग्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये इसके तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं ये मिलकर जो है सारे का सारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको प्रोसेसिव एंजाइम भी कहते हैं। जो इसके अल्फा यूनिट्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प आउट करते हैं, जो इसके बीटा यूनिट्स होते हैं वो जो स्टैंड्स को जो है अनजिप करने में हेल्प आउट करते हैं, जो इसका मेगा यूनिट्स का फंक्शन अभी तक अननोन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट का यूनिट है वो सिग्मा, दिस वन सिग्मा जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन करता है, जो कि अगली स्लाइड पे हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट हम मूव करें यूकेरियोट्स की बात करें तो वहां पे बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी होते हैं, वहां बहुत से जो है वो इन्हांसर्स भी होते हैं, एक्टिवेटर्स भी होते हैं, रिप्रेसर्स भी होते हैं, यानी कि यूकेरियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो असेंबली है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तादाद बढ़ जाती है, जबकि जो है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जस्ट और जस्ट जो है यहाँ पे हमारे पास सिग्मा फैक्टर से ही हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इसके तीन मेजर स्टेप्स हैं, यानी कि इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ओके जी, जो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका वो होगा इनिशिएशन, और इनिशिएशन में जैसे आपके सामने यहाँ पे डबल हेलिक्स डीएनए अवेलेबल है, यानी कि अगर आप 5 to 3 में देखें तो कोडिंग जो है स्टैंड अवेलेबल है, अगर आप 3 to 5 ब्लू कलर में देखें तो जो यहाँ पे हमारे पर टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल है, और मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर होती है, जो कि आपके ब्लू कलर में यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो रेड कलर में जो कोडिंग स्टैंड है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसे मैंने हेडिंग में ऊपर लिखा हुआ रिकग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय सिग्मा फैक्टर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है वो यहां पे आके कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि ये वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जैसे यहाँ पे देखिए आपको +1 का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे +1 से जो है अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इससे आगे जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जैसे हो जाएगा तो इस रीजन को आगे जो भी आगे सिंथेसिस होगी उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम रीजन, जबकि इससे ऊपर वाला रीजन यानी ऊपर वाले से मुराद ये इसका माइनस में जो रीजन होगा, यानी कि +1 0 देन -1 -2 -3 देन -10 -35 इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम रीजन। तो अप स्ट्रीम रीजन पे कुछ खास रीजन्स होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स होता है -10 पे, जबकि यहाँ पे देखिए हमारे पास टीटी गाका बॉक्स होता है -35 पे। यहाँ पे आके हमारा सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, तो इसको पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, यानी कि ये हमें इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन की। यूकेरियोट्स में यहाँ पे -10 के बजाय यहाँ पे -25 होगा, और यहाँ पे -35 के बजाय -75 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके पास भी टाटा बॉक्स होता है, जबकि -75 पे उसके पास जो है जीसी बॉक्स होगा, जिसको कैट बॉक्स भी कहते हैं। ओके जी, अब ये +1 में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये +1 जो है यहाँ से जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जानी है, लेकिन यहाँ पे आगे जैसे सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा तो वो अब सिग्मा फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ आरएनए पॉलीमरेज, जैसे वो बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी इसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखें अब हमारे सेकंड स्टेप में जो है वो अटैचमेंट हो रही है सिग्मा फैक्टर की, ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये -35 और -10 के दरमियान आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है इसके साथ, क्योंकि ये पार्ट किसका होता है, आरएनए पॉलीमरेज का, वो भी इसके साथ क्या करता है कि बाइंड कर जाता है। तो कहने का मतलब है अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है तो सिग्मा फैक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें।
ओके okay, जैसे ये दोनों बाइंड कर देंगे तो फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज बीटा और बीटा डैश जो यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो है डीएनए को ओपन करते हैं यानी कि अनजिप करते हैं, अनवाइंड करते हैं और उसकी ओवरवाइंडिंग को भी रोकते हैं और एक जो है 17 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट ओपन कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। एक्चुअली इस ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर ही आरएनए ने सिंथेसाइज होना होता है, यानी कि दोनों स्टैंड जो है वो आपस में से डी अटैच नहीं होते, इन दोनों स्टैंड के दरमियान से ही 17 बेस पेयर का रीजन अनजिप होता है और यहां पे हमारा आरएनए सिंथेसिस होता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में जो है सेकंड स्टेप जो है जिसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन वो कैसे होती है। वेरी सिंपल, ये देखिए नीचे वाला जो ब्लू कलर में हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड था इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा आरएनए बनेगा और सिर्फ फर्क क्या होगा एडेनिन पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन, यानी कि यहाँ पे थायामीन नहीं आएगा क्योंकि ये आरएनए है तो यहाँ पे क्या आएगा यूरासिल आएगा। तो यूं इस तरीके से हमारा आरएनए जो है इस नीचे वाले स्टैंड को देखते हुए बनता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो सेंसेस में ये देखें पूरा कंप्लीट मैंने इसका व्यू दे दिया, आप ये रेड कलर में आप देखें एमआरएनए बन रहा है ठीक है और ये हमारे पास जो है नीचे वाला जो टेम्पलेट स्टैंड है वो नीचे ब्लू कलर में अवेलेबल है। 17 बेस पेयर तक जो है हमारा आरएनए पहले बनता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि स्टैंड्स का बनता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है और फिर ये आगे यहां से बाहर निकलना शुरू कर देता है और साथ साथ ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे आगे मूव करता जाता है जब तक कि इसको सिग्नल ना मिले स्टॉप का। तो यूं आरएनए जो हमारा उसका एमआरएनए जो है सिंथेसाइज होता रहता है। ओके लास्ट स्टेप इज दैट कि एलोंगेशन के बाद जो हमारे पास थी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन दो तरह की होती है, या तो फॉर्मेशन ऑफ हेयर लूप से बनती है या फिर रो फैक्टर के आने से होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर हमने सिग्मा फैक्टर की बात की अब यहाँ पे रो फैक्टर आ गया, तो ये रो फैक्टर एक्चुअली सिग्मा फैक्टर को ही कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पे सिग्नल जैसे इसको मिलता है कि यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन को या आरएनए सिंथेसिस को रोका जाए तो ये सिग्मा फैक्टर को वहां से अनब्लॉक कर देता है तो हमारी जो प्रोटीन जो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज वहां पे काम करना आगे फर्दर यानी कि अनवाइंड नहीं करता तो वहां पे हमारे पास सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है दूसरा जो इसका जो है मेथड है वो है हेयरपिन लूप का बनना। अब हेयरपिन लूप यहाँ पे देखिए आपको जैसे नजर आ रही है यहाँ पे हेयरपिन लूप बन रही है, ये देखिए ये वाली हेयरपिन लूप जो है इस तरीके से बनती है। ये बनती कैसे है, ये हेयरपिन लूप में कुछ पहले एटी का रीजन आता है फिर जीसी यानी कि जिसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जीसी रीजन जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है। इस रेपिटेशन की वजह से जी और सी आपस में एक दूसरे के गिर्द जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो कंसेक्टिव एज आना शुरू हो जाते हैं ठीक है। ये जो एज हमारे पास आते हैं इनके ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट्री में आरएनए में यू लगता है तो ये देखिए हमारे पास ये जी सीरीज रीजन आ गया और नीचे उसके बाद ए लूप जो आएगी उसके ऊपर जो है आके यू लग जाएंगे तो ये एक सिग्नल देगा कि अब आरएनए फर्दर जो है उसको जो है बनना रुक गया है डीएनए के ऊपर क्योंकि एज का मतलब होगा मजीद सिग्नल नहीं आएंगे तो यहाँ पे इसका स्टॉप जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको जो है इन वन फिगर देखें यानी कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने दिया यानी कि ऊपर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है कोडिंग स्टैंड है नीचे हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है ये देखिए अनवाइंड हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज का बीटा जो है इसका फ्रेगमेंट इसको अनवाइंड कर रहा है ये यहां देखिए रीवाइंड उसको हो रहा है यानी कि 17 बेस पर उन्होंने एट अ टाइम ओपन करके रखने होते हैं और बीच में देखें यहां पे हमारे पास जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है यानी आरएनए डीएनए जो है उसका हाइब्रिड बन रहा होता है। तो 17 तक ये ओपन होता है लेकिन 8 बेस पर जो एट अ टाइम उसके वहां पे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है आरएनए के बनने की, यार किएगा आरएनए डायरेक्शन होती है 5-3 और किस स्टैंड पे बनते हैं ये 3-5 स्टैंड पे बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहां पे स्टॉप होता है और फर्दर हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के ऊपर यानी कि वहां पे हम आपसे शेयर करेंगे स्प्लाइसिंग क्या होती है, पॉली ए टेल क्या होती है, कैपिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इतना सुनने के बाद मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचा हूं कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के वो जरूर क्लियर हुए होंगे। गुड लक योर स्टडी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।